देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। इस साल देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। शहर में इस दिन किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो, इस उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह सज्ज है। ऐसी जानकारी जॉइंट सीपी अस्वती दोरजे ने दी। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील की कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे उन्हें या लोगों को परेशानी हो। हर भारतीय के लिए 26 जनवरी का दिन खास महत्व रखता है। इस दिन 1950 को आधिकारिक तौर पर भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन को देश समेत संपूर्ण शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस दिन ये देखा जाता है कि कई युवा ऐसे कृत्य करते हैं जो कानूनी दृष्टि से गलत होते हैं। ऐसे सभी युवाओं पर नकेल कसने की दृष्टि से पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया जाएगा। ऐसी जानकारी जॉइंट सीपी अस्वती दोरजे ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया 26 जनवरी के दिन पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहेगा। वही कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी निमित्त पोलिसांचे कटक बंदोबस्त आम्ही नागपूर सिटी पोलिसांच्या तर्फे करणार आहे आणि आमचे सर्व डीसीपीसला इंस्ट्रक्शन दिलेले आहे की कडक कारवाई करण्याबद्दल मास्क न लावणारे यांच्यावर ऑलरेडी कारवाई आमचे सुरू आहे आणि जे काही म्हणजे या उत्साहाच्या अवसरात काही असे गडबड काम करणारे माणसावर कडक कारवाई होईल आणि सोबतच आम्ही आमच्या वतीने चांगला एक ध्वजारोहण आणि त्यात मानवंदनाचे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेले आहे माननीय पालकमंत्री साहेबांचे अध्यक्षतेखाली आणि त्यात त्याचं संप्रेक्षण लगेच होणार आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की सर्व जे जनता जे आहे नागपूर सिटीचे जनता आहे घरी बसून हे कार्यक्रम बघतील आणि त्यांच्या मनात देशभक्तीचे मनोभावना ठेवून आणि जे कोविड चे संबंधित जे काही मार्गदर्शन दिलेले आहे सरकारने त्याचं पालन करून त्याचं तंतोतंत पालन करून आनंदाने या आमचे जे प्रजासत्ताक दिवसाचे साजरा करतील असा आमचा विश्वास आहे। आगे बात करते हुए उन्होंने सभी युवाओं से अपील की कि वो ऐसा कोई भी कृत्य ना करे जिससे उन्हें या किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।